हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में मैं प्लाजो कटिंग बता रही हूँ, जो नीचे से स्ट्रेच होता है उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे जो है आड़ा टेढ़ा कपड़ा होता है, इसपे जो है निशान लगा देते हैं, यहाँ से चल जाएगा। तो अब इसके बाद ये देखिए, यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, जो ये मोहड़ी में फोल्ड होता है वो है। अब इसकी लंबाई हम लेंगे, इसके लिए निशान लगाएंगे। ये देखिए, इसको हम सीधा कर लेंगे, इस तरीके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो है 2.5 इंच पे लास्टिक के लिए, हम इसी में लास्टिक भी निकालेंगे, तो 2.5 इंच के लिए निकाल देंगे लास्टिक के लिए। इसको भी स्ट्रेच सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, कमर है 40 इंच, 40 का आधा 20 होगा, 20 में हम 4 इंच लूजिंग जोड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो कितना हुआ हमारा 24 इंच, 24 का आधा रखेंगे तो 12 इंच आया। ठीक, ये रहा 12 इंच, 12 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब देखिए, हिप है 44 इंच, 44 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 11 आया। ठीक, यहां से हम 11 पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद उसमें 1.5 इंच का मार्जिन जोड़ेंगे, ये आया, तो ये 12.5 आ रहा है। ठीक, यहाँ से निशान लगा देंगे हम इस तरीके से। यहाँ से जो है हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच पे और लगाएंगे, तो ये हमारा 2.5 इंच का हो गया। यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे इस तरीके से, ये देखिए राउंड शेप इसी तरीके से आएगा। ठीक, अब इसको हम मोहड़ी हमारी 10 इंच की, ये रहा 10 पे निशान लगाए, 1 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया। स्केल से हम शेप दे देंगे इस तरीके से, ये देखिए, ये शेप दे देंगे। तो इसकी अब हम कटिंग करते हैं, कटिंग करके मेन पॉइंट हम आपको बताते हैं। इसकी सिलाई की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन की घंटी दबाना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।